फ्रुएंटी को हम हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। फ्रुएंटी की पहली मीनिंग को हम ले लेते हैं, पी ऑफ ई बराबर होता है एनी अपॉन एन एस। पी फॉर इवेंट, इवेंट मतलब होता है घटना, कोई भी घटना हमारी कब घटित होती है, अचानक घटित होती है, हम कहीं गए तो एक हमारे साथ कुछ घटना हो गई, तो ये क्या कहलाता है? इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी को हमने क्या किया? पी ई बराबर एनी अपॉन एन एस। मेन फार्मूला प्रोबेबिलिटी का ये होता है। इसके बाद दूसरा फार्मूला क्या होता है कि पी ई धन पी ई बार, पी ई बार को हम नॉट कहते हैं, बराबर वन होता है। प्रोबेबिलिटी धन प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर वन। तो यहाँ से तीन फार्मूले निकाल लेते हैं, तो पी ई बराबर वन माइनस पी ई बार। दूसरा क्या मिल जाएगा? पी ई बार बराबर वन माइनस पी ई के। तीसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी का मान जीरो और वन के बीच में होता है हमेशा। प्रोबेबिलिटी का मान जीरो और वन के बीच में ऑलवेज होता है। अब एक क्वेश्चन है क्या कि पी ई बराबर गिवन है, पी ई बराबर एक क्वेश्चन है गिवन में है हमारे पास, तो इतना हो गया ये। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हल कर, इफ पी ई बराबर गिवन है कितना बेटा? सवाल नंबर 0.05। तो उसने क्या काम है? पी ई नहीं की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम लोग क्या जानते हैं? पी ई बराबर होता है, फार्मूला हमारे पास हम लोग जानते हैं, पी ई बराबर होता है वन माइनस पी ई के, और पी ई कितना गिवन है? 0.04 के। तो यहाँ पी ई नॉट निकाल ले रहे हैं, पी ई नॉट बराबर वन माइनस ये कितना गया? 0.05 के। वन में से 0.05 घटाएंगे तो देखो कितना आएगा बच्चों, इधर हम वर्ग देखो 1.00, इसको क्या लिखते हैं 0.05, यहाँ कितना मिला? 5 मिल गया, यहाँ कितना आया? 9, और ये हो गया 0.09। यानी पी ई नॉट बराबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? पी ई बार बराबर 0.95। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बोर्ड परीक्षा में इसको बहुत आता है इस टाइप का। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद, एक क्वेश्चन देखो इसके बाद क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक थैले में 3 लाल है, तो रेड बॉल कितनी हो गई हमारे पास? 3 बॉल है, रेड 3 है और 5 काली है, ब्लैक, ब्लैक कितनी है? ब्लैक दी है हमारे पास 5 गेंदे। तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि निकाली इसकी प्रायिकता क्या है कि वो लाल गेंद हो। पहला पार्ट में क्या कहा उसने? लाल गेंद निकले कहा है। तो हम लोग टोटल प्रतिदर्श क्या निकालते हैं? एन एस बराबर होता है 3 × 5 के, टोटल कितना मिल गया हमें? 8। अब हमें रेड की चाहिए, तो रेड बराबर हमारे पास कितनी है? तो पी ई बराबर फार्मूला होता है एन ई अपॉन एन एस से। एन ई हमें गिवन है, एन ई बराबर कितना? रेड के लिए कितनी है? 3 बॉल है, तो रेड बॉल 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या मिल गई यहाँ पे? 3 और एन एस कितना हो गया? 8। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला इसी में एक पार्ट है उसने कहा है, यानी कि लाल ना हो तो लाल इससे निकाल दो, यानी कि कितनी बच गई? 8 में से 3 के 5 बच गई। तो सेकेंड पार्ट इसका क्या मिल गया हमें? लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ई बराबर एनी कितना मिल गया? 5/8। ये लाल ना होने की प्रायिकता है, लाल ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फार्मूला है पी बराबर एनी एस और एन एस। इसलिए सब लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है।